आ गए हो। चलो जी, तो शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि किस्मत बड़ी कुत्ती चीज होती है नंदू, और ये बात कल सच हो गई क्योंकि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गई। हे ऊपर वाले, ये राइटर मुझे चाहिए जो आईसीसी की स्क्रिप्ट लिख रहा है। भोसड़ी के इतना सस्पेंस के समझ में ही नहीं आ रहा है, नीदरलैंड अच्छा खेल रही है या फिर साउथ अफ्रीका खराब खेल रही है। और साउथ अफ्रीका की किस्मत देख के लगता है कि इनका कोई आदमी ऊपर है ही नहीं जो कहे हे गॉड। और बांग्लादेश से मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये शाकिबुल हसन क्रिकेटर कैसे बना? इसे तो वकील होना चाहिए था भाई साहब, बहुत बड़ा वाला मुंह चोद है। जब देखो एम्पायर से हाथापाई के चक्कर में पड़ा रहा है। इतना ध्यान अगर क्रिकेट पे लगाया होता तो अच्छा क्रिकेटर बन गया होता। ये सारी बातें छोड़ो, हमें तो बात पाकिस्तान पे करनी है। और पाकिस्तान को लगता है कि उनकी जीत ये टीम की वजह से हुई है। टीम की वजह से नहीं हुई है, तुम जीते हो इनकी दुआओं की वजह से। इतनी खूबसूरत लड़की है, जब दुआएं मांगती होंगी तो सीधा साथ में आसमान से टकराती होगी। भाई पाकिस्तान सेमीफाइनल में आ गया, कमाल हो गया। ये कुदरत का निजाम है, ये कुदरत का निजाम है जैसे। अच्छा जी, आज जीत गए तो कुदरत का निजाम, और जब जिम्बाब्वे से हारे थे तो किसका निजाम था? शफीक भाई का। हार हजम नहीं हो रही थी तुमसे। हरामी मानुस दो दिल में पलट गया। सरप्राइज में आपको सुबह जब आए कुछ होप थी क्या? होप थी, हम सुबह पहला मैच। होप तो नहीं थी तुम्हें, होप तो हमने तुम्हारी जिम्बाब्वे से हार के बाद ही देख ली थी। ऐसे रो रहे थे जैसे 3 साल के बच्चे से किसी ने गुब्बारा छीन लिया हो। मैं पाकिस्तानियों के क्या जज्बात है भाईजान? मेरे जज्बात कमाल, कहाँ है वो लोग, कहाँ है वो इंडियंस जो कहते थे कि पाकिस्तान नहीं आ सकता। इंडिया का नाम लिए बगैर तो पेशाब नहीं उतरती होगी तुम्हारी। और इंडिया को छोड़, पहले तू वो पाकिस्तानी ढूंढ जो अपनी ही टीम को गाली दे रहे थे जिम्बाब्वे से हारने के बाद, और देख ले तू अपने चच्चा ही देख ले। बाबर आजम इज अ स्टार नो मोर, मेरे लिए तो स्टार नहीं। यही बोलूंगा ना यार कि पाकिस्तान हैज अ बैड कैप्टन, नो डाउट अबाउट। इतना ब्रेनलेस कैप्टन कैसे हो सकता है बंदा? ये कहाँ का है, नेपाल का है? या इसका नाम कगिसो रबाडा है? है तो तुम्हारी रावलपिंडी एक्सप्रेस ही, और इस बंदे का ना कोई स्टैंड नहीं है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। अब बस सेमीफाइनल जीतने, फाइनल में आना है। इंडिया को कोई हार हरानी है जो उन्होंने हमें हराई थी। के इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल तो ऐसे प्रिडिक्ट करके बैठे हैं जैसे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड तो खेलने ही नहीं आई। इन दोनों के कैप्टन ना इंडिया और पाकिस्तान के फाइनल में एम्पायरिंग करेंगे। और इंशाल्लाह दोबारा मेलबर्न में फाइनल में इंडिया का बदला लेंगे इंशाल्लाह। देखो ऐसा तो कभी नहीं होगा, अगर इंडिया और पाकिस्तान का किस्मत से फाइनल हुआ तो सिर्फ एक ही चीज होगी, इंडिया में एक ही साल में 2 बार दिवाली। अगर आपको याद हो तो 2011 के वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान दोनों सेमीफाइनल में पहुंची थी और इंडिया फाइनल जीत गई थी। इतिहास फिर से दोहराया है, भाग्य आप समझदार हो। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है, और कमेंट करके जरूर बताना इंडिया फाइनल किसके साथ खेलेगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।